यार सच में यार भाई कितनी मोस्कुलर लगती है यार बैठने में। और होंडा का भरोसा चाहिए भाई, जैसे इन गाड़ियों ने तो आजकल आग लगा रखा है मार्केट में, वैसे भाई ये गाड़ी भी आग लगा सकती है अगर होंडा चाहे तो। ऐसे नहीं होगा भाई, होंडा अगर ऐड वगैरह करे इस गाड़ी का तो देन उसके बाद इम्प्रूवमेंट होगा भाई सेल्स फिगर में। हेलो भाई, मैं अंकित भाई, आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखलाने वाला हूँ जो बहुत कम ही लोग जानते हैं भाई इस गाड़ी के बारे में, बहुत कम ही लोग, लेकिन हाँ जो जानते हैं भाई वो डेफिनेटली लेते हैं। मैंने इसको बहुत कम ही रोड पे देखा है, लेकिन जिनके पास ये गाड़ी जाती है ना भाई वो बहुत ही प्रीमियम फील करते हैं, साथ ही रोड पे हट के देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा एक्सब्लेड की। देखना जरा इसका लुक भाई, अपने को बहुत ही तगड़ा लुक मिलता है। कौन कह सकता है भाई ये 160 सीसी की गाड़ी है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन हाँ होंडा कहता है कि भाई 160 सीसी की गाड़ी है। देखना जरा फ्रंट अपने को इस टाइप का मिलता है, बहुत ही अट्रैक्टिव सा फ्रंट मिलता है। यहाँ पे छोटा सा वाइजर दे रखा है, यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट, टर्न सिग्नल देख लो अपने को ऐसा मिलता है जो कि हैलोजन ही है भाई। यहाँ पे आपको मिलता है भाई फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप। अभी थोड़ा इसको ऑन करते हैं भाई, देख लो ऑन हो चुका है भाई। अभी आपको यहाँ पे DRL दिख गया होगा, यहाँ पे अपने को इसका DRL मिलता है, बाकी इसमें हजार्ड वगैरह आता है, देखो चारों इंडिकेटर साथ जल रहा है। अभी यहाँ पे अपने को इसका लो भी हाई भी मिलता है। फ्रंट से यार इतनी खतरनाक सी लगती है, कसम से मज़ा आता है भाई देख के। आपको कैसा लगता है भाई मुझे ज़रूर यार कमेंट में बतलाना। फ्रंट से बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। अभी थोड़ा इसका देखे भाई लो बीम हाई बीम कौन सा है। गाड़ी स्टार्ट होगा तो देन मैं आपको चेक करा दूंगा। फ्रंट में अपने को टेलीस्कोपिक, जाइए ना अंकल जाइए, फ्रंट में अपने को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। और यहाँ पे देखो थोड़ा गार्ड टाइप का दे रखा है ताकि ये आपका सस्पेंशन में गंदा वगैरह ना आए। बाकी यहाँ पे ABS मिल जाता है फ्रंट में, वही आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। 276 mm का आपका डिस्क मिल जाता है, देखना जरा कितना बड़ा डिस्क है। अभी इसमें अपने को दो वेरिएंट मिल जाते हैं भाई, अभी इसमें सिंगल डिस्क भी आता है, ड्यूल डिस्क भी आता है। ये वाला मॉडल जो अपने पास है ना, ये ड्यूल डिस्क वाला मॉडल है। रियर में अपने को भाई मिलता है 220 mm का डिस्क ओनली, रियर में ABS नहीं है। बड़ा खतरनाक लगता है भाई फ्रंट से देखने में। यहाँ पे दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है, बाकी मडगार्ड अपने को मैट में मिलता है, ये मैट वाला कलर देख रहे हैं। जो जो कलर ऑप्शन मिलता है इसमें आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे अलग टाइप का टच दे रखा है होंडा ने। टायर सेक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे अपने को ऑफर करा जाता है भाई 80x117, बाकी स्ट्रिप मिल जाता है रेड कलर का। अभी फ्रंट से तो मैंने बहुत तारीफ कर दिया भाई, इसका हजार्ड बंद करते हैं यार, फालतू में बैटरी डाउन हो जाएगा। साइड से देख लो भाई, आपकी एक्सब्लेड इस तरीके दिखती है भाई, मतलब साइड से भी बड़ा मज़ेदार लगता है भाई। 160 सीसी की गाड़ी है यार, देखना जरा यहाँ पे इस टाइप का फ्यूल टैंक मिल जाता है, यहाँ पे होंडा का बैजिंग मिल जाता है 3D, यहाँ पे एक्सब्लेड लिख रखा है रेड कलर में, यहाँ पे इस टाइप का डिजाइन मिल जाता है। बाकी इंजन देख लो अपने को इस टाइप का मिल जाता है ब्लैक कलर में। अभी आप लोग को नहीं पता होगा भाई, यूनिकॉर्न में भी और इसमें सेम ही इंजन आता है। ये भाई एयर कूल्ड 160 सीसी के आसपास इसमें अपने को इंजन मिलता है। अभी यहाँ पे आपको रेडियो वगैरह देखने को नहीं मिलता, बाकी वहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो सिंगल हॉर्न मिल जाता है। इसको देख के पता है बहुत लोग कहते होंगे कि भाई इसमें रेडिएटर आता है, लेकिन नहीं भाई इसमें रेडिएटर नहीं आता। कंपनी ने ऐसा बना रखा है कि ताकि हवा भी जाए इसमें और इंजन आपका ठंडा भी रहे। अभी इसमें क्रैश गार्ड अभी इंस्टॉल नहीं है, गाड़ी परचेज करोगे तो क्रैश गार्ड आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे अपने को कैटलेटिक कन्वर्टर मिल जाता है BS6 वाला, इंजन काउल देख लो जो कि फाइबर ही मिलता है भाई, ये ठीक है यार अच्छा, मगर थोड़ा सा हिल रहा है भाई। बाकी यहाँ पे किक वगैरह मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, अपाची वगैरह लेते हो तो किक वगैरह नहीं मिलता। यहाँ पे ब्रेक पेडल, राइडर, पिलियन दोनों में अपने को रबर मिल जाता है। यहाँ पे 60 का बैजिंग मिल जाता है, एक्सब्लेड 160 बोलता है भाई इसको होंडा। यहाँ पे देखोगे तो ऐसा डिजाइन दे रखा है, यहाँ पे कार्बन का टच दे रखा है भाई, ये स्टिकर नहीं मिलता, ये पैनल पे ही है। अभी यहाँ पे देख दो तो इस टाइप का डिजाइन मिलता है। अभी इसमें आप देखोगे ना भाई, मतलब ध्यान से देखोगे तो आपको हर जगह अलग अलग कलर दिखेगा। यहाँ पे देखो अलग कलर दिख रहा है, यहाँ पे अलग कलर, मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग कलर दे रखा है, जिससे मतलब धूप वगैरह में या फिर रोड पे बात करते हो तो अलग ही निखर के आता है भाई। अभी एग्जॉस्ट सिस्टम अपने को ड्यूल बैरल मिलता है, वाह होंडा वाह, मतलब हॉर्नेट में ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे एक्सब्लेड में भाई ऑफर करता है होंडा। देखो होंडा का बैजिंग मिल जाता है, बड़ा सा मोटा सा एकदम अपने को एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है। अभी एग्जॉस्ट साउंड भी सुनेंगे, यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। ये टाइप प्रोफाइल की बात करते हो तो यहाँ पे अपने को ऑफर करा जाता है 130x70 R17, ये आपका 130 हो गया, ये आपका 70 हो गया, बाकी 17 इंच का अपने को एलॉय मिल जाता है। मतलब फ्रंट वाले टायर से आपको रियर वाला टायर बहुत ही चौड़ा मिलता है भाई। रियर में देख लो अपने को रियर हगर मिल जाता है, जिससे बहुत ही मेच्योर वाला लुक आता है रियर से। बाकी रियर तो मैंने आपको दिखलाया नहीं भाई, भूल कैसे जाता हूँ। इस टाइप का अपने को ग्रेवल मिल जाता है स्प्लिट में, बाकी टेल लाइट देख लो LED मिलता है। अभी ब्रेक लोगे तो ये वाला जलेगा भाई, कितना मस्त लग रहा है। बाकी होंडा का बैचिंग मिल जाता है, नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाता है जो कि हैलोजन है भाई। टर्न सिग्नल देख लो अपने को फ्लेक्सिबल मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी नंबर प्लेट माउंट और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है भाई, मतलब कोई बंदा पीछे से ठोकता है तो इसमें ठोकेगा भाई, इसमें तो मेरे हिसाब से टच ही नहीं होगा। खैर यहाँ पे भी इस टाइप का फिनिशिंग मिल जाता है। अभी इसका सीट बहुत ही चौड़ा है भाई, धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी
यहाँ से देखते हो तो इस टाइप की दिखती है भाई, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पे वैसा डिजाइन है जैसा उस साइड है भाई। अभी इंजन देख लो भाई, अपने को ब्लैक में पूरा मिलता है। इंजन की बात करते हो तो वही अपने को 160 सीसी का इंजन मिल जाता है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है, जो आपको मैक्सिमम 12.67 bhp का पावर निकाल के देता है। अभी टॉर्क की बात करते हो, 14.7 nm का अपने को टॉर्क मिलता है इस गाड़ी में। पावर के मामले में गाड़ी एक नंबर है भाई। जैसे देखो, बहुत लोग कंपेयर करेंगे इस सेगमेंट की गाड़ी से, तो भाई उतना तो अपने को पावर नहीं मिलता, लेकिन हाँ आपको पिकअप वगैरह में कभी कमी नहीं लगेगा, मैंने ऐसा सुना है भाई, कभी चलाया तो नहीं है, लेकिन माइलेज वगैरह अपने को अच्छा खासा मिल जाता है, 50+ अपने को माइलेज इस गाड़ी में मिल जाएगा। अभी गियर वाला देख लो, अपने को इस टाइप का मिल जाता है। ये गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, ड्यूल स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स मिल जाता है, स्टैंड लगा रहेगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। बाकी यहाँ पे अपने को रिजर्व वगैरह नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है। यहाँ से देखते हो तो इसमें अपने को लेडीज के लिए फुटबैक वगैरह मिल जाता है, लेकिन अभी वो इंस्टॉल नहीं है भाई। एंड देखते हो ना, अपने को पूरा ओपन मिलता है, जिससे थोड़ा सा हाँ भाई मेंटेनेंस वगैरह बढ़ जाता है, लेकिन ऐसी गाड़ियों में ऐसा ही चैन आता है भाई, जिससे लुक अच्छा लगता है देखने में। अभी देखोगे तो यहाँ पे भी अपने को गार्ड टाइप का फिनिशिंग मिल जाता है, यहाँ पे आपको नोब मिल जाता है सीट खोलने के लिए। सीट की बात करते हैं भाई, देखना जरा अपने को कितना बड़ा सा सीट मिलता है। अभी देखने भाई तो बहुत ही बड़ा बड़ा सा है, अभी बैठ के भी देखेंगे। यहाँ से देखते हो तो आपकी एक्स ब्लेड इस तरीके दिखती है भाई। मीटर कंसोल देख लो कितना अट्रैक्टिव है भाई। देखो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, ये गाड़ी उतना मतलब जैसे लोग बाग जानते नहीं इस गाड़ी के बारे में, बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन हाँ जो जानते हैं भाई, जैसे मैं इस गाड़ी को हरदम रोड पे खोजता रहता हूँ कि मिल जाए देखने के लिए, वही कभी कभी भाई एक दो दिखती है यार, हरदम तो दिखती नहीं है। यहाँ पे अपने को 11,000 तक मार्किंग मिल जाता है RPM का, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन मिल जाता है, बाकी यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे आपका टाइम वगैरह हो जाता है। बाकी इसको कंट्रोल करते हो तो यहाँ पे ट्रिप आ जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी, बाकी यहाँ पे और कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे टाइम वगैरह सेट करने के लिए बटन दे रखा है, यहाँ पे होंडा का बैजिंग, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दे रखा है जैसे राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, साइड स्टैंड, हाई बीम, ABS, न्यूट्रल, माल फंक्शन, इतना ही आपको फीचर्स मिलता है इसके मीटर कंसोल में। बाकी यहाँ पे भी देखोगे तो कार्बन की फिनिशिंग मिल जाती है। अभी की देखते हो ना भाई, की थोड़ा सा यार डिसअपॉइंट कर देता है, क्योंकि यार होंडा भाई थोड़ा इंप्रूव करो, छोटा की है भाई, थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, 1.5 लाख के अराउंड इसका प्राइस जाता है यार। खैर यहाँ पे कंट्रोल की बात करते हो तो पासिंग मिल जाता है यार, अभी गाड़ी स्टार्ट होगा तब जाके हेडलैम्प जलेगा। यहाँ पे अपने को लो बीम हाई बीम का बटन मिल जाता है, यहाँ पे टर्न सिग्नल मिल जाता है, वही इंडिकेटर जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे हॉर्न यार ठीक है भाई। देखो होंडा का हॉर्न मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है भाई, मैंने अपनी प्लेटिना में भी होंडा का हॉर्न इंस्टॉल करवाया है, शायद आपको पता हो। अभी राइट में आता हो तो इंजन किल स्विच हो जाता है, बाकी अपना हजार्ड हो जाता है, बाकी यहाँ पे सेल्फ का बटन हो जाता है। अभी थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद आपको मैं आपको इसका डायमेंशन वगैरह बताऊंगा। देखो आपकी गाड़ी न्यूट्रल में हो चुकी है, देन वाह एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा भी आवाज़ भी नहीं करता भाई स्टार्ट होते टाइम, देख लो आइडियल पे ऐसा आवाज़ करता है भाई, क्या आवाज है यार, कितना स्मूथनेस बनाते हैं, मतलब यार कोई कह सकता है कि 160 cc की गाड़ी है, अपने को आवाज एक नंबर मिलता है भाई। और यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हो, इंजन किल स्विच अपने को मिल जाता है इस गाड़ी में। बाकी टैंक देखते हो ना गौर से, यहाँ पे कार्बन की फिनिशिंग मिल जाती है, फ्यूल फिलिंग का सिस्टम, और बहुत ही मोस्कुलर सा लगता है भाई। होंडा SP125 कुछ नहीं है इसके आगे, पहले मेरे को पता क्या लगता था इसका टैंक बहुत ही मोस्कुलर, लेकिन उससे आगे ये है भाई, उससे आगे है। अभी बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, तो यहाँ पे इस गाड़ी में अपने को ऑफर करा जाता है भाई 12 लीटर का फ्यूल टैंक। अभी रिजर्व वगैरह नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है। अभी कॉर्वेट की बात करते हो तो ये गाड़ी भाई हॉर्नेट से ज़्यादा भारी है, हॉर्नेट में अपने को 142 kg का कॉर्वेट मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में ड्यूल डिस्क वेरियंट लेते हो तो अपने को कॉर्वेट मिलता है भाई 144 kg का। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हाँ वही मेरे जैसा बंदा रहेगा तो भाई ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, अभी बैठ के दिखाऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 167 mm का, जो कि ठीक है भाई ऐसे गाड़ियों के लिए 167 mm कुछ कम नहीं है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स बाइक देख रहे हो भाई, स्पोर्ट्स बाइक। अभी थोड़ा इस पे बैठते हैं, देन उसके बाद मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ। यार सच में यार भाई कितनी मोस्कुलर लगती है यार बैठने में, मतलब देखना जरा पैर वगैरह आपका ऐसा आ जाता है, बहुत ही मोस्कुलर सी लगती है। अभी बैठा हूँ तो देखो इतना स्पेस बच रहा है, मेरे हिसाब से 3 जने बैठ सकते हैं भाई, लेकिन वही बात है तीसरा बंदा यहाँ पे बैठेगा, लेकिन पतले लोग 3 जने बैठ सकते हैं, लेकिन 2 जने के लिए गवर्नमेंट अलाउ करते हैं भाई, ज़्यादा को नहीं बैठाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका मैंने एक चीज़ नोटिस कराई है, देखो ना भाई थोड़ा ऐसे घुमा के रखा है कंपनी वालों ने, निकलने नहीं दिया है ना, जरा पसीना भाई कितना पसीना हो रखा हूँ मैं। अभी देखो भाई मेरा हाइट 5'10" के राउंड है, तो मेरे जैसा बंदा आराम से इस गाड़ी को चला सकता है, वहीं अगर आपका हाइट थोड़ा कम है भाई, तो मतलब जैसे 5 feet के हो
तो थोड़ा सा हाँ दिक्कत होगा, लेकिन वही बात है 5.5 फीट के हो तो देन फिर तो आपके लिए एकदम सोने पे सुहागा गाड़ी है भाई। मतलब कितना मोस्कुलर सी लगती है यार, 160 सीसी गाड़ी है, 1.5 लाख के अराउंड ऑन रोड जाता है, एक नंबर गाड़ी है भाई, मेरे को तो एक नंबर लगा। बाकी ये सीट वगैरह कुशनिंग अपने को एक नंबर मिलता है भाई, साइन की तरह एकदम। बाकी हैंडल बार वगैरह देखते हो तो बिल्कुल अपने को ब्लैक मिलता है, और इन सब का भाई अपने को हैंडलिंग पोजीशन बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक जैसा लगता है। और इस पे ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बैठते भाई, जैसे अपाची वगैरह पे एग्रेसिव बैठते हो आप, लेकिन इस पे उतना एग्रेसिव नहीं बैठ सकते। मतलब इसको नॉर्मली कम्यूटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फुटबैक वगैरह आपको कम्यूटर गाड़ी की तरह नहीं मिलता, थोड़ा सा आपको हट के मिलता है। कम्यूटर गाड़ी में क्या होता है ना, सीधा आपका पैर रहता है, लेकिन इस गाड़ी में आपका सीधा पैर नहीं रहता, थोड़ा सा पीछे रहता है, जिससे आप आराम से कम्फर्टेबली बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्लच लीवर यार बहुत ही स्मूथ है। अभी थोड़ा इसका सीट खोलते हैं भाई, इस टाइप का अपने को की मिल जाता है, मैंने आपको दिखला दिया। यहाँ से आप इसका सीट ऐसे डालोगे, यहाँ से आपका ऐसे सीट खुल जाएगा। अभी देखो तो भाई ऐसे टाइप का अपने को सीट के नीचे मिल जाता है। सीट के नीचे तो ज़्यादा स्पेस अपने को नहीं मिलता। रिंच वगैरह देखो यहाँ पे आपका लग जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका एयर फिल्टर वाला सिस्टम है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट एड भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कहीं पे आप गिरा जाते हो तो आपका वो काम आएगा। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करा, देखो मैंने एक हाथ से इसका सीट भी खोला और साथ ही बंद भी कर दिया भाई। बहुत सारी गाड़ी में क्या होता है कि दोनों हाथ लगाने पे भी बंद नहीं होता सीट, ये है भाई। मेरे को यार सीट खोलने में मज़ा आया। बाकी ये थोड़ा अलग टाइप का दे रखा है, देखना जरा की वाला। अभी एनिमेशन तो मैंने आपको दिखलाया नहीं भाई, देखो एनिमेशन अपने को इस टाइप का मिल जाता है, बड़ा ख़तरनाक सा लगता है। थोड़ा सा हाँ देर लगता है चालू होने में, लेकिन हाँ वही बात है, चालू हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी मिरर देखते हो ना भाई, मिरर अपने को बिल्कुल ही साइन वगैरह की तरह मिलता है यार। थोड़ा यार कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए, ये ग्रिप वगैरह भी साइन की तरह है, कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलता। अभी माइलेज वगैरह की बात कर दो ना भाई, अभी प्राइस पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद माइलेज वगैरह के बारे में बात करेंगे। अभी देखो इसका एक शोरूम प्राइस है भाई 1,21,359 रुपये। ऑन रोड की बात करते हो तो आपका ऑन रोड चला जाता है 1,49,000 के अराउंड, तो यही गाड़ी भाई 1.5 लाख के अराउंड है। तो मेरे हिसाब से यार वर्दी गाड़ी है भाई। मतलब फीचर्स वगैरह आपको उतना तो नहीं मिलता, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, माइलेज वगैरह शो नहीं होता, लेकिन हाँ जो फीचर्स है भाई वो प्रैक्टिकल है यार। 1.5 लाख में और क्या लोगे भाई, लेकिन वही है कि कंपनी को थोड़ा सा यार पावर मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट करना चाहिए इस गाड़ी में, और थोड़ा सा यार इस गाड़ी का ऐड वगैरह करे। लोग बाग जानते नहीं है भाई इस गाड़ी के बारे में, जानते ही नहीं है। किसी से पूछो भाई एक्सब्लेड कौन सी गाड़ी है तो जानते ही नहीं है भाई, ये सीन हो जाता है। बाकी माइलेज की बात करते हो ना भाई, ये गाड़ी आपको रियल लाइफ में आराम से मतलब 50 से ज़्यादा माइलेज दे देगी भाई मेरे हिसाब से। कंपनी तो 55 तक क्लेम करती है, लेकिन हाँ अगर आराम से चलाते हो तो 50 प्लस भी मिल जाता है। अगर नॉर्मली खींच के चलाते हो मेरे जैसे बंदे हो तो 45 तक आप आराम से यूज कर सकते हो। और देखो भाई ये लोग चुप नहीं रहेंगे, ये लोग ऐसे ही हल्ला करते रहते हैं, हम जैसे लोगों के लिए परेशानी बनते रहते हैं। भाई एक्सब्लेड में एक और कलर अपने को मिल जाता है, देखना जरा, ड्यूल टोन में मिल जाता है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। पहले मेरे को दिखाई नहीं भाई, यही वाला मैं आपको रिव्यू करके दिखलाता, मगर ओवरऑल मैं आपको दिखला देता हूँ। ये वाला भी कलर चूज कर सकते हो भाई, वो तो अपने पास मैट में था, लेकिन ये वाला भी भाई तगड़ा लग रहा है यार देखने में कसम से। बाकी रियर में अपने को हाइड्रोलिक टाइप वाला सस्पेंशन मिल जाता है, जिसको मोनोशॉक भी बोलते हैं भाई, कंफर्टेबल होगा यार। खतरनाक लुक चाहिए भाई, माइलेज वगैरह भी मिल जाए, और होंडा का भरोसा चाहिए भाई। जैसे इन गाड़ियों ने तो आजकल आग लगा रखा है मार्केट में, वैसे भाई ये गाड़ी भी आग लगा सकती है अगर होंडा चाहे तो। ऐसे नहीं होगा भाई, होंडा अगर ऐड वगैरह करे इस गाड़ी का तो देन उसके बाद इंप्रूवमेंट होगा भाई सेल्स फिगर में। और भाई मैं इनको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा, श्री सुदर्शन होंडा करके इनका शोरूम है अंबिका सासाराम में भाई, मैं अंबिकापुर बार बार बोल दे रहा हूँ। तो आप सासाराम या फिर खासकर रोहतास से बिलोंग करते हो या फिर खासकर बिहार से भी बिलोंग करते हो तो आप इनके शोरूम में ज़रूर विजिट कर सकते हैं। हॉर्नेट मिल जाएगा आपको, 200X मिल जाएगा, और ये भाई भी मिल जाएंगे, तो इनके शोरूम में ज़रूर विजिट करें। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। तो भाई सिंगल डिक्स वाले वेरिएंट का प्राइस है 1,44,000 के रहा हूँ, तो वो मेरे हिसाब से वर्दी है भाई। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ड्यूल डिक्स का तो आप आराम से सिंगल डिक्स वाला वेरिएंट ले लो, आपके लिए सोने पे सुहागा वेरिएंट हो जाएगा, और गाड़ी तो माइलेज एक नंबर देगी ही भाई। तो यही था भाई एक्सब्लेड का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।